हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड के रिजल्ट से रिलेटेड आज नोटिफिकेशन आ गया है और उस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि क्लास 12th रिजल्ट जो है वो कब आ जाएगा, 31st जुलाई को आ जाएगा। और हम सब जानते हैं कि इस बार प्रमोट किया गया है तो उसके लिए कुछ रिजल्ट बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि जैसे 40% वेटेज दिया गया है किसको, 12th प्री बोर्ड के रिजल्ट को। अगर किसी ने प्री बोर्ड नहीं दे रखा है या किसी स्कूल ने प्री बोर्ड एग्जाम नहीं लिया है तो उसी 12th के मिड टर्म के मार्क्स के बेसिस पर 40% वेटेज है, या मिड टर्म भी नहीं हुआ है तो यूनिट टेस्ट के मार्क्स पे 30% वेटेज है। 11th के फाइनल एग्जाम का जो रिजल्ट था, मतलब 11th के फाइनल एग्जाम में जो मार्क्स आया था उस मार्क्स को 30% वेटेज दिया जाएगा, और बचे हुए 30% किसको दिया जाएगा, 10th के फाइनल एग्जाम के रिजल्ट को। लेकिन 10th के सारे सब्जेक्ट को नहीं, जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट है। और साथ ही साथ सीबीएसई ने यह भी बोला है कि जिस किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, हो सकता है वो 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है लेकिन वो 12th में बहुत अच्छे से पढ़ लिए, वो अच्छा कर सकते हैं और इस तरीके से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। मतलब दोज स्टूडेंट हु आर नॉट सेटिस्फाइड कैन अपियर फॉर एग्जाम। और इसका भी फिलहाल डेट नहीं बताया गया है कि ये वाला एग्जाम कब होगा, तो मुझे लगता है कि जैसे ही ये कोविड का सिचुएशन कुछ नॉर्मल होता है तो ये एग्जाम कंडक्ट होगा और जो लोग सेटिस्फाइड नहीं है वो एग्जाम देके अपना रिजल्ट सुधार। ये जो आपका प्रिपरेशन है, जो आगे का जो आपका एम है उसके लिए, चाहे वो मेडिकल में हो या किसी और फील्ड में हो, तो आप उसमें लगे रहिए और यूं ही टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।